पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में नगर निगम के द्वारा अभियान चलाकर प्रतिबंधित पॉलिथीन को पकड़ने का काम किया गया। नगर निगम की टीम जैसे ही बाजार में दाखिल हुई तो वैसे ही मानो भड़कंप मच गया हो। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में आज पॉलिथीन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 12 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी गई और लगभग 40,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दी गई है, जिसके बाद से नगर निगम लगातार काम कर रहा है। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद भी आए दिन नजर आती रहती है, जिसको रोकने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रहा है। आज भी बाजार में पहुंचकर नगर निगम की टीम ने लगभग 10 दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें 4 दुकानों पर लगभग 12 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी गई। साथ ही लगभग 40,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती सिंह के द्वारा बताया गया कि लगातार अभियान जारी रहेगा और शहर के लोगों से अपील की गई कि प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें। इस दौरान कर निर्धारण अधिकारी प्रमोद कुमार, कर अधीक्षक मंगल सिंह पापड़ा, आरडी पूरवाल, राजस्व निरीक्षक दीपक सिंह, केशव बिश्नोई, शुभम चौहान के साथ और भी अधिकारी और कर्मचारी साथ रहे। आज कंजरी सराय में पॉलिथीन अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे कर निर्धारण अधिकारी और कर अधीक्षक और राजस्व निरीक्षक एवं ईटीएफ की टीम थी। और जो अभियान चला गया है वो कंजरी सराय में चलाया गया। यहाँ पे कुल 14 किलो पॉलिथीन जब्त की गई और 44,000 रुपये की रसीद कटवाई गई। ये अभियान हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा। ये 4 दुकानों पे पकड़ा गया है, पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद करें। और साथ ही सभ्य नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि वो पॉलिथीन का प्रयोग ना करके अपने घर में कपड़े के बैग का अपने साथ ले जाएं और उसी में अपना सामान लें। आज कंजरी सराय में नगर निगम टीम और परिवर्तन की टीम के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और कंजरी सराय में ये कार्रवाई की गई है और लगभग 20 केजी प्लास्टिक जो है प्रतिबंधित है वो पकड़ा गया है और लगभग 40,000 का जुर्माना यहाँ लगाया है। कुछ नाम है किनके किनके किसके खिलाफ है, क्या क्या कहा बता दीजिए। कई ट्रेडर्स हैं, उनके द्वारा जो यहाँ पे कई ट्रेडर्स कंपनी है उनके द्वारा जो भी माल बेचा रहा था उसी को पकड़ा गया। स्पेशल नाम ऐसे नहीं है, कंपनी के साथ में जो नाम लगे हुए हैं वही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।